हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो है तिलक तो निपट गया है, तो अब इसको खोलते हैं। रामायण जो है आज पूरी इसको दे देते हैं। रामायण जो है दूसरे की है, श्री कृष्ण चरित है। आज हम लोगों ने शुरू किया था, तो इसको भर के जो है दूसरे के यहाँ देना है, क्योंकि दूसरी जगह में जिसके लाए थे उसके यहाँ भी है साथ ही। चलिए हटाते इसको, खोलते पूरा ये रामायण। तो ये तीन रामायण हैं, तो तीनों जो हमें देना है। बाकी ये देख सकते पूरा जो है खोल लेंगे इसको, पूरी रामायण आज। तो यहाँ सफा कर देंगे पूरा जो है। तो गैस, जो हमारा दूसरे दिन का नाश्ता हो रहा है तिलक के बाद का, तो देख सकते हैं बर्फी है। बाकी अभी जो है बाहर से आ रहा है काला जाम भी अंदर से, तो बर्फी कार्यक्रम हो रहा है आज नाश्ते में। ये हमारे लड्डू हैं, लड्डू खाए जा रहे हैं। खाओ लड्डू मिठाई। ठीक गैस, जो है काफ़ी टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो निमंत्रण तो हो गया। अभी मैट जो है और बाकी है जो लगा ऊपर, ये बाकी तो सब चला गया है। तो हम चल रहे हैं अभी खेत पर अपने दोपहर में। बहुत दिन हो गए खेत नहीं आए जो है इतनी टाइम, तो चलते खेत पहले। तो देख सकते पूरा जो है सरसों पक गया पूरी तरह से। इधर ये हमारे आम के खेत हैं, और इधर देख सकते गेहूँ बाली भी निकल आई है। तो होली भी आ रही है जो है, नक्शी आ गई है, 5-6 दिन बचे होली के भी। तो पूरी तरह से देख सकते सरसों वरसों पूरा ही पक गया। इधर भी देख सकते पूरे जो है खेत गेहूँ बाली निकल आई, लेकिन अभी भाई अगले महीने से कटने के भी शुरू हो जाएंगे। ये हम लोगों का बाग है जो गर्मी के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे है। अब देख सकते यहाँ पे जो है पूरी छाया है पूरी तरीके से, तो यहाँ गर्मी में कैसे भी बैठ सकते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर खेत में ही आ जाते हैं अगर रहते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सही एकदम आराम का काम है। छाया बहुत ज़्यादा रहती, देख सकते धूप नीचे आ नहीं पाती। और इधर देख सकते आम में जो है बौर भी आने लगे हैं। तो ये सीज़न जो है काफ़ी अच्छा रहता मौसम जो है, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। तो इधर देख सकते हमारे आम, एक डांड़ भी फट गई जिसमें ज़्यादा लगते थे आम, ये डांड़ भी अब की चली गई। उधर भी वो खटुआ आम है, मिठुआ है, तो ये मीठा वाला वो खट्टा वाला है। तो इसके नीचे जो गेहूं के, तो ये हम लोगों का बाग ही है। तो यहाँ जो है पहुँचने की जुगाड़ भी है, क्योंकि रात में गेहूं तागना पड़ता गांव में। तो देख सकते पूरा जो है मचहाना ऐसे बना दिया खाली वास ना गिरे। तो यहाँ पे आपको पक्षी भी मिल जाएंगे बहुत, क्योंकि यही छाया ही है ज़्यादातर। पेड़ पूरे इलाके अगर आसपास देखा जाए तो यहीं सबसे ज़्यादा है। तो मोर है और जो दूसरे जानवर हैं पक्षी हैं सब यहीं बैठते हैं। तो इसीलिए जो अगर जैसे जानवर नुकसान भी कर देते कभी कभी यहाँ के बैठते हैं गर्मी में। तो देख सकते यहाँ पे बहुत चिड़िया यहाँ पे मिल जाएंगी चिड़िया। तो कौवा है, क्योंकि यहाँ छाया ही, आप वीडियो में देख सकते पूरी तरह से आपको दिखा भी दे रहे हैं। गांव का ये काफ़ी अच्छा है, गांव में यही सबसे अच्छा रहता है, कम से कम पेड़ है। और ये हमारे आलू खुदाई भी हो गई, अब गांव में चिप्स विप्स बनने लगे हैं। तो ये हमारा आम का पेड़ है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इसमें जो है लगने लगे बौर। इसको हम लोग बौर ही कहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक ये पेड़ है, ये तो यहाँ पूरे पेड़ों के बीच में दब ही गया पूरी तरह से, ये तो बेकार हो गया। हमें अनजा से पेड़ काटना पड़ेगा तभी निकलेगा। यहाँ एक तो थोड़ी सी जगह में बहुत पेड़ है, देख सकते हैं यहाँ पूरा थोड़ी सी जगह लेकिन पेड़ बहुत है। इतनी अच्छी छाया यहाँ पे आ गई, यहाँ पे खटिया उटिया डाल सकते हैं गर्मी में। अरे यार तार नीचे लगा, कोई देखे ध्यान ही नहीं दिया। तो अमरूद तो इतनी टाइम है नहीं, अमरूद का सीजन ही नहीं है, तो अमरूद नहीं है ना नींबू ही है। तो पूरा देखिए पेड़ जो है एक भी लगा नहीं दिख रहा नींबू। तो इतने समय ना नींबू का सीजन है ना अमरूद का है, एक अमरूद दिख गया है। आपको दिखा रहे हैं कितने खतरनाक जो है 11,000 लाइन पे है। ये दिखा होगा आपको, ये तो 11,000 लाइन की वजह से जो है ये तो टूटने से रहा है, ये टूटेगा भी नहीं, ये जो अपने आप गिर जाएगा। ये हमारा नींबू का पेड़ है, गांव सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया छाया, यहाँ गर्मी में आके बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अभी जो हम खेत का नज़ारा अपने दिखा रहे हैं, गांव का माहौल कितना अच्छा है, मतलब छाया के लिए गर्मी के लिए
तो देख सकते हैं कटहल वटहल हैं सब हमारे। तो ये हमारे गांव के बाहर का नज़ारा है, तो आपको आज जो है पूरा दिखा रहे हैं खेतों का नज़ारा, ताकि आप लोग भी दूर से देख सके हाँ, अगर कहीं पे आप हैं तो गांव का आनंद ले सके। देख सकते हैं कितना अच्छा जो है गेहूँ का नज़ारा। तो हम आ गए हैं अपनी बोरिंग पर, टहलते टहलते ही खेत की तरफ यहाँ थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा काफ़ी, यहाँ थोड़ा हवा भी लगती है, तो यहीं बैठते हैं। तो धूप ज़्यादा आपको दिखाया बहुत ज़्यादा आज, और गर्मी भी अब पड़ने लगी है कुछ कुछ, दोपहर में गर्मी रहती, शाम सुबह तो भी कुछ ठंडक है। तो चलिए आगे अभी मिलते वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं किसी का। तो चलिए ठीक, मिलते हैं। तो गाय सब चलते हैं घर पर, सब खाना खाते हैं। तो बच गया जो है यहाँ 12, एक घंटा हो गया यहाँ बोरिंग पे पहुड़े पहुड़े। तब चलते हैं, खाना वाना खाते भी कुछ आराम करते हैं, गर्मी जो है दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो आज जैसे निमंत्रण हो गया, कुछ कुछ बुखार जैसे लग रहा है, बुखार आ गया। तो चलिए अब दवा खाते हैं पहले, नहीं तो बुखार ज़्यादा आ जाएगा। तब होली भी आ रही है, अभी बारात भी है घर पर, तो अभी तिलक निपटा, अभी बारात भी है, तो अभी जो है बुखार उखार आने बड़ा दिक्कत है, बुखार ना आए यही सोच रहे हैं। तो ये टमाटर देख सकते हैं, जो इससे पहले वीडियो में दिखाया था, आज देख सकते पूरा हरा भरा हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं।
ये पता मैं तेरा।